Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra and welcome to the 7th episode of Hashtag Ingredients. देखो and आज का जो ingredient है वो है propylene glycol. ये आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर दिखने वाला है. इतना ज्यादा वाइडली यूज्ड ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है एंड आई रियली थिंक कि आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. व्हाट इज प्रोपिलीन ग्लाइकॉल? प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इज नथिंग बट अ सॉल्वेंट. इट इज अ ह्यूमेक्टेंट. इट वर्क्स टू प्रॉपरली मिक्स इंग्रेडिएंट्स इन योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इसके अगर हम ऑल्टरनेट नेम की बात करें, ई नंबर जो है यहाँ पे आपको देखने मिलता है E1520 एंड इसके अलावा जितने भी उसके अलग अलग नाम हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे. ये जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड जो होते हैं उसके अंदर देखने मिलेगा. इट इज यूज्ड बिकॉज इसकी एक एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है इट हेल्प्स रिटेन मॉइस्चर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इसके अलावा इट इज यूज एज एन एंटी केकिंग एजेंट. इट इज यूज एज अ स्टेबलाइजर. इसके अलावा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल आपको काफी सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर और मेडिकेशंस के अंदर, मेडिकल जितने भी लोशंस होते हैं उसके अंदर भी देखने मिलेगा. ये जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको वाइटनिंग डियोस के अंदर भी देखने मिलता है एंड ये आपको ई सिगरेट के अंदर भी देखने मिलता है. इट इज अ सॉल्वेंट विच इज यूज टू मिक्स दोज फ्लेवर्स एंड द निकोटीन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. पथेटिक. इट इज रियली रियली बैड. सो नाउ अगर अब मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ये जो है वो इंग्रेडिएंट कंज्यूमेबल्स के अंदर यूज होता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कैसे यूज होगा? इनडायरेक्टली वो आपके फ्लेवरिंग्स के अंदर यूज होता है और कलरिंग्स के अंदर यूज़ होता है. सो वो आपको लेबल पे कभी नहीं दिखेगा लेकिन जो कलर्स होते हैं या एडिड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं उसके अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू मिक्स दैट पर्टिकुलर पिगमेंट विद दैट सॉल्यूशन. ऐसे भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे बहुत सारे लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है. अब FDA ने इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को ग्रास डिक्लेयर किया है, मतलब जनरली रिगार्डेड एज सेफ. तो ठीक है लेकिन इट इज़ टॉक्सिक फॉर पीपल जिनको ऑर्गन डैमेज है या ऑर्गन रिलेटेड डिजीजेस है. किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, इन तीनों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल कैन बी एन इशू फॉर योर बॉडी बिकॉज प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो है वो इन तीनों ऑर्गन के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालता है. सबसे ज़्यादा किडनी के ऊपर डालता है बिकॉज अगर आपके कोई भी फूड के अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है तो वो बॉडी के अंदर जाके किडनी के द्वारा ही मेटाबोलाइज होता है एंड एक्सक्रीट होता है. अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें देन यस आपको ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर देखने मिलेगा लेकिन इट इज़ यूजुअली ओके इन कॉस्मेटिक्स. इट इज़ यूजुअली ओके. बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस नहीं हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बट येस फ्यू पीपल, वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उनको इरिटेशन हो सकती है. अब इसके ओवरऑल में अगर वर्डिक की बात करूँ देन अगेन जस्ट लाइक लास्ट टाइम, जस्ट लाइक विथ IPBC, दिस नीड्स योर अवेयरनेस. दिस नीड्स यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव टू द इन्ग्रीडियंट लिस्ट. अगर आपको ये कोई भी खाने की चीज़ के अंदर दिख जाती है देन ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज यू कैन बिकॉज ये जो इन्ग्रीडियंट है वो आपके सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट 48 घंटे यानी 48 आवर्स रहता है एंड किडनी लिवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है जैसे मैंने आपको बताया. सो अगर आप रेगुलरली ऐसे प्रोसेस पैकेज फूड्स खाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ऑन एन ऑल्टरनेट डेली बेसिस, इट कैन कॉज रियल डैमेज टू योर बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दिस इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है देन येस ट्राई टू अवॉइड इट और इफ यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो try to use it maybe every alternate day or keep a gap of 2 days or something like that. So all in all, foods try and avoid, cosmetics be very skeptical about it and face pe agar hai then try to avoid it and baki agar koi body pe hai, baalo pe hai then you can still give it a try. Be very careful about it and be very aware about it. That is all that I'm saying over here. So guys, yahi tha propylene glycol ke bare mein. This was the 7th episode of Hashtag Ingredients. Dekho, I hope aapko ye video pasand aaya hoga. Sare research links and my social media links are there in the description down below. Jab tak hum log agli baar mile, be awesome, keep your beard awesome. I'll meet you in the next one. Bye-bye.